हेलो फ्रेंड्स, मैं अनप्रिया। वेलकम टू माय देशी कुकिंग, ईट देसी ईट हेल्दी में आपका स्वागत है। वैसे जब भी हम लोग चाय पीते हैं तो चाय के साथ गर्मा गर्म कुछ खाने का मन करता है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मूंग दाल का पकौड़ा, वो भी बस सिर्फ दो चीज़ें डाल के, बहुत ही टेस्टी पकौड़ा। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाते हैं। क्या करना है कि ये जो मूंग दाल है, एक कप है, मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा था, और इसमें मैं दो चीज़ डाल के बनाऊंगी, बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आप इसको बरसात के टाइम पे जब भी मन करे, अभी तो ठंड आ रही है तो उस टाइम पे भी आप चाय के साथ गर्मा गर्म इसको खा सकते हैं। तो क्या करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मैंने छन्नी में रख के पूरा पानी अच्छे से निकाल लिया, क्योंकि अगर थोड़ा भी पानी रह गया तो फिर आपकी भजिया अच्छी नहीं बनेगी। तो एकदम पानी छन्नी में, ऐसे ही बड़ी छन्नी से आप पूरा निकाल लीजिए, और इसके बाद जार लीजिए और जार में इसको जो है डाल लीजिए। तो भीगी हुई जो ये मूंग दाल है, जार में मैं जो है छोटी कटोरी से, एक कटोरी मैंने पानी डाला, और इसको एकदम अच्छे से जो है एकदम बारीक जो है एकदम पीस लेंगे मिक्सर में। तो यहाँ ये देखिए, मैंने जो है मूंग दाल को पीस लिया। अब मैं इसमें क्या करूंगी, एक चम्मच मैं अजवाइन डालूंगी। ये बस बहुत ही कम चीजों से मैं बना रही हूँ, आपके घर पे जब भी मेहमान आए या ऐसे भी मन करे तो आप ये बना सकते हैं। नमक डाली मैं, और यहाँ पे जो हींग है ना, इसको मैं पानी में भिगो के रखी थी ये, और इसी में डाल दूंगी। और इसको कम से कम आधा घंटा हम लोग को इसे फेंटना है, ऐसे डाल के एक तरफ से ऐसे जो है इसे ऐसे जो है फेंटना है। ये बहुत ही क्रंची और अच्छी भजिया बनेगी इसकी। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है, छोटी छोटी इसमें डालेंगे हम लोग ऐसे। देखिए ये तो इतना मैंने इसमें डाल दिया मूंग भजिया। अब मैं इसको एकदम गोल्डन होने तक, थोड़ा सा एकदम ब्राउन अच्छे से हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मूंग दाल के भज्जी के साथ तलते हुए मैं इसमें जो है ये ग्रीन हरी मिर्च है वो भी डाल दूंगी, इसके साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और इसको अभी मैं जो है बनने के बाद मैं इसको जो है थोड़ा सा और इस पर डालूँगी चाट मसाला वसाला, तो आप देखिए कैसे बनता है ये। तो फ्रेंड्स भजिया को अभी होने देंगे थोड़ा सा और भी लाल, और इसमें हम जो ये है हरी मिर्च मैंने फ्राई किया उसको एक साइड से निकाल लेंगे और एक प्लेट में। ये देखिए मेरा मूंग दाल भजिया रेडी हो गया, और इसके साथ मैंने हरी मिर्च भी फ्राई किया है। अब इसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, और जो है और इसी पे मैं जो है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स ये जो है बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप खाइए चाय के साथ गर्मा गर्म। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया रेसिपी डालूँ आपको।